हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम दोस्तों बात करेंगे कुछ बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो आप अभी फरवरी में लगा सकते हैं और आपको मार्च अप्रैल एंड तक बहुत अच्छे से ये फूल दे सकते हैं। वीडियो को दोस्तों शुरुआत से एंड तक देखिएगा जिसके साथ आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये देखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट प्लांट जिसका नाम है पेंजी, और इसमें दोस्तों आप कलर देखें कितने ज़्यादा अच्छे आते हैं। काफ़ी कम फूल होते हैं जिसमें आपको ब्लैक कलर मिलता है, पर पेंजी उनमें से एक है। इसमें ब्लैक कलर का जो फूल है आता है और आप देख सकते हो इसमें येलो कलर प्योर है। दोस्तों जो भी मैं आपको पौधे दिखा रहा हूँ इनके ज़्यादातर मैंने बीज गार्डन दोस्त की वेबसाइट से लिए हैं, इसलिए आप भी जाके वहाँ परचेज़ कर सकते हैं, पर अभी गर्मियों के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेंजी दोस्तों बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसको आप हैंगिंग बास्केट छोटे छोटे गमलों में जैसे 4-5 इंच के गमले रहते हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। इसका जो ये वाला कलर है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत कम लोगों के पास रहता है। इसको मैंने इसीलिए बीज से उगाया है और इसमें जो फ्लावरिंग ढेर सारी होगी तो आपके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा। हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है बेगोनिया। बेगोनिया दोस्तों दो तरह का पाया जाता है, पर मेरे पास आप देख सकते हो सिंगल पेटल वाला है। इसमें दोस्तों दो खासियत रहती है, इसके फूल हैं बहुत ज़्यादा अच्छे खिलते हैं, वो सभी पौधों में रहता है। और दूसरा इसके पत्तों का कलर, जैसे अगर आप वाइट कलर लेंगे इसमें थोड़े से पत्तों का शेड अलग आएगा और इसमें थोड़ा सा अलग आएगा। और इसकी भी दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक परमानेंट प्लांट होता है अगर हम इसकी अच्छे से केयर करेंगे। दोस्तों जिस सीज़न में ये ज़्यादा मरता है वो है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको बारिश से बचाना है या फिर आप बालकनी में जहाँ पे रेन नहीं आती है वहाँ पे रख सकते हो, ये बहुत अच्छे से चलेगा। और सितंबर में जाके आप इससे बहुत सारी जो कटिंग्स हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों आपको ये पौधा भी जरूर अपने गार्डन में ऐड भी करना चाहिए। तो जो हमारे पास पौधा है इसका नाम है डेंथस। डेंथस में दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं, जैसे आपके सामने हैं जो मेरे पास दो पौधे पड़े हैं, दो पॉट्स पड़े हैं, इनमें मैंने पौधे लगाए हुए हैं दो दो, और जिसके कारण दोस्तों आप देख सकते हो पौधे बहुत अच्छे से फूल दे रहे हैं। और साथ में इनकी जो फ्लावरिंग है अभी जाके शुरू होगी फरवरी में और बहुत बढ़िया तरीके से ये फूल देते रहेंगे। दोस्तों जो डेंथस का पौधा, इसमें एक और ज़रा खासियत रहती है, जो इसका फूल है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए टिकता है और सर्दियों के साथ ये गर्मियों में भी फूल देता रहता है। अगर आप ऐसे पौधे लगाना चाहते हो जो आपको सर्दियों और गर्मियों दोनों सीज़न में फूल दें, तो डेंथस उसमें से एक पौधा है जिनको आप अपने गार्डन में ऐड भी कर सकते हैं। आप फूलों का काउंट देख सकते हैं कितने ज़्यादा इस पर कलियाँ हैं जो अभी जाके खिलने। और ये है दोस्तों मेरा साल्विया का पौधा। साल्विया में दोस्तों बहुत अच्छे फूल आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अभी फ्लावरिंग अब सिर्फ शुरू होने ही वाली है और इसमें जो फ्लावरिंग है बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए चलती है। इसमें दोस्तों मैंने दो पौधे लगाए हैं और ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स की यही प्रॉब्लम आती है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने जो मिट्टी ली है उसमें सैंडी सॉइल ज़्यादा यूज़ की है, जिसके कारण जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसी वक्त नीचे से आ जाता है बाहर, जिसके कारण जो हमारा पौधा है वो पीला नहीं पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों आप भी साल्विया की सॉइल बनाइए, उसमें आपके पौधे बहुत बढ़िया तरीके से टिकेंगे। तो आप साल्विया का पौधा आपको सिर्फ 15 से 20 रुपए का नर्सरी से मिल सकता है। इसमें कलर्स आपको रेड के अलावा भी 2-4 मिल जाते हैं, तो आप इसको भी जरूर ऐड करें। अगर आप दोस्तों समर के F1 इम्पोर्टेड सीड्स गार्डन में लगाना चाहते हो जैसे मैं लगाता हूं, तो आप गार्डन दोस्त की वेबसाइट एक बार जरूर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी तरह की वैरायटीज विद वेजिटेबल्स फ्लावर्स सभी तरह की मिल जाएंगी। अगर हम दोस्तों सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट्स की बात करें जैसे विंटर में, तो उनमें से कैलेंडुला का नाम एक आता है। इसको गुलसर्फी के नाम से भी बोला जाता है, काफ़ी लोग इसको पालक भी कह देते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते हैं आप देख सकते हो पालक के पौधे जैसे दिखते हैं। दोस्तों जो कैलेंडुला का पौधा, इसमें जो बहुत अच्छे जो आप कह सकते हैं कलर्स आते हैं और साथ में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर अगर आप लगाना चाहें तो बहुत बढ़िया पौधा रहता है। हमारे यहाँ पर हर एक घर में ये लगाया जाता है, इसकी देसी वैरायटी रहती है जो, और ये हाइब्रिड है जिसका नाम है कैलेंडुला बॉनबॉन। इसको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप खाद भी नहीं दोगे अच्छे से, टाइम पे इसको पानी भी मिल जाए, तो ये हरा भरा आपका रहता है और अप्रैल एंड तक आपको अच्छे फूल देगा और उसके बाद ढेरों सारे आपको बीज भी इसके हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। विंटर की बात करें और पेटूनिया का पौधा ना आए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो पेटूनिया का पौधा ये सबसे ज़्यादा हार्डी प्लांट रहता है। इसमें दोस्तों फ्लावरिंग है बहुत अच्छी आती है और बहुत सारे कलर्स भी आपको मिल जाते हैं। इसको आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको छोटे से छोटे गमले में भी लगाया जा सकता है। अगर आपके पास छोटे गमले हैं तो पेटूनिया का पौधा जरूर अपने घर में ऐड कीजिए जिसको आप लगाएं। और दोस्तों इससे भी बीज ढेरों सारे आप पा सकते हैं, इसमें डबल वैरायटी है, सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है। और इन सभी पौधों को मैंने 6-6 या 4-4 इंच के गमले में लगाया है, ये सबसे ज़्यादा छोटा
सारा गमला है जो मेरे पास है, और इनको दोस्तों कुछ नहीं चाहिए अलावा जो धूप है इनको अच्छी दें, और साथ में अगर आपके पास गोबर खाद है बढ़िया तरीके से गली सड़ी हुई तो उसको आप एक मुट्ठी एक महीने में इस्तेमाल 6 या 7 इंची के गमले में कर सकते हैं। और ये दोस्तों पौधा देख सकते हो, ये है एलाइसम। एलाइसम का दोस्तों पौधा मैंने दूसरी बार लगाया है, पहले इसके अच्छे फूल नहीं आए थे, इस बार मैंने बीच से दोबारा से लगाया है तो फूल आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हैं। इसमें दोस्तों फूलों के साथ साथ जो इसके जो फॉयलेज है वो भी मुझे बढ़िया लगती है, और नीचे को ये हैंगिंग बास्केट की तरह फैलते हैं। अगर आप इसको लगाना चाहें तो बहुत ही ईजी टू प्लांट है, आप देख सकते हो अगर हम इसकी एक स्टिक निकालें तो इस पर कम से कम 400-500 फूल हैं एक स्टिक पे होंगे, छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये स्प्रेडिंग कर लेता है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा अगर आप हैंगिंग बास्केट या रेलिंग प्लांटर्स के लिए कोई पौधे ढूंढ रहे हैं तो उसमें एलाइसम जरूर लगाइए। इसमें आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे और इसके भी सीड आपको गार्डन दोस्त की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, बट अभी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका सीज़न अभी 2-3 महीने का है, जैसे बीज लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आप सामने देख सकते हो, ये है हमारे पास स्टॉक का पौधा। स्टॉक के पौधे में दोस्तों फूल आप देखिए कितने ज़्यादा रहते हैं, एक ही पॉट में एक ही पौधा लगा है और इसमें जो फ्लावरिंग है वो ढेर सारी हुई पड़ी है। दोस्तों जो स्टॉक का पौधा है ये मेरा एक तरह का फेवरेट प्लांट है और ईजी टू ग्रो है। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कम टाइम कौन सा पौधा लेता है बीच से ग्रो करने के लिए तो वह स्टॉक का पौधा। इसकी मैंने ट्रांसप्लांटिंग की थी जिसके कारण इसका एक एक पौधा मैंने एक गमले में लगाया है और उनकी जो ग्रोथ है आपके सामने है। अगर आप दोस्तों कभी भी स्टॉक को लगाना चाहें तो हमेशा बीज से लगाइएगा, क्योंकि बीज से जब हम घर पे लगाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पौधा निकलता है, अगर हम नर्सरी से लेकर आते हैं उस पर एक आधा फूल की जो स्टिक है वो रहती है। स्टॉक को दोस्तों लगाने के लिए सही समय सितंबर रहता है, इसीलिए आप अगली सितंबर इसको जरूर लगाइएगा। और ये देखें दोस्तों हमारे पास है बेलीज का पौधा। बेलीज में बहुत अच्छे फूल आते हैं, आप देख सकते हो इसमें जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसके भी मैंने बीज लगाए थे और बीज से अभी इनके फूल हैं ये 15-20 दिन पहले ही खिलने शुरू हुए हैं और बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो आ रही है। अभी तो दोस्तों सिर्फ 20% फूल खिले हैं, इसमें जो फूल हैं बहुत ज़्यादा खिलते हैं, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बढ़िया पौधा लगता है। अगर आप हाइट देखें, हाइट तो इसकी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे लग रहा है कि फूल ही जमीन जैसे मिट्टी से निकल रहे हैं, पर इसके जो आप देख सकते हो जो फॉयलेज है एंड जो फ्लावरिंग है वो एक साथ बहुत बढ़िया लगती है। हैंगिंग बास्केट या रेलिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए बेस्ट पौधा है। मेरे पास इसकी आसपास 2 वैरायटी हैं, एक वैरायटी में फूल अभी खिलने वाले हैं और एक वैरायटी में फूल आपके सामने हैं जो आगे हैं, तो आप इसको भी ज़रूर लगा सकते हैं। और ये है दोस्तों हमारे गेंदे के पौधे। गेंदे का पौधा तो मैं आपको ये बताऊंगा, कोई भी नर्सरी में चले जाइए पहले आपको गेंदे का पौधा देखने को मिलेगा, उसका यही कारण रहता है सभी जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है और साथ में इसके जो फूल हैं बहुत ही इजी टू ग्रो हैं और एक एक डेढ़ डेढ़ महीना ये कहीं पर नहीं जाते हैं। इसके दोस्तों जो बीज हैं बहुत आसानी से लग जाते हैं, मैंने इनका मैरीगोल्ड लगाया था, गार्डन तो उसकी वेबसाइट से ही खरीदे हैं, और इसके लिए इसके जो बीज हैं मैं दोबारा से भी लगाऊंगा, पर अभी इसका मौसम जाने वाला है, पर मैंने फिर भी लगा के रखे, आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप दोस्तों मैरीगोल्ड की अभी सैपलिंग्स लेकर आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो उनको आप अगर लगा लेंगे तो आपके फूल हैं शायद अप्रैल एंड तक खिल जाएं और ऐसे ही फूल आपको मिलेंगे। ये देखें दोस्तों बारिश से बचाने के लिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है और इनकी अभी जो पौध है अच्छे से लगभग तैयार हो गई है, सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग करना इनकी बाकी है। और यही थी दोस्तों वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को हम एंड करते हैं इस लीलियम के पौधे के साथ। लगा तो आप इसको भी सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट ईयर का आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सीज़न अभी जाने ही वाला है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में मुझे बताइएगा जरूर आपको कैसे पौधे लगे मेरे गार्डन के, ऐसे ही मैं वीडियोज़ और भी के लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।